कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। देसी दस्तरखान विद मुनज़्ज़ा में मैं आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुमान में रखे। आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जावा प्लम मोहितो। ये बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है जी, और आसान अल्फाज में इसको कहेंगे कि जामुन वाला शरबत। तो इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी, उसमें मैंने सबसे पहले जामुन ले लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से कट करके गुठली निकाल दी थी, और ये मेरा एक बाउल बना है, मुझे एक बाउल ही चाहिए था। और इसके अलावा एक टीस्पून जो है वो मैंने काला नमक लिया है, और कुछ पत्ते मैंने लिए हैं पुदीने के, और इसके अलावा 3 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है, और इसके अलावा 2 अदद मैंने लेमन लेकर उनका मैंने जूस निकाल लिया है। ये मेरा तकरीबन 2 टेबल स्पून बन गया है। उसके अलावा बर्फ़ जो है वो मैंने हंसपे जरूरत ली है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी रेसिपी जी। ये देखिए, हम अपने तमाम मसाले जो है वो डालकर इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। ये अब मैं नमक डाल रही हूँ, काला नमक हम साथ सब कुछ डाल लेंगे हम लोग, फिर हमने इसकी पेस्ट बनानी है। हम ग्राइंड कर लेंगे इसको अच्छी तरह से जी। जनाब तो ये देखें, माशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी बहुत अच्छी सी पेस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। और इसके अलावा मैंने जो ग्लास है इनको मैंने अच्छी तरह से लेमन लगाकर इनको शुगर से कोट कर लिया था, इसकी कोटिंग कर ली थी मैंने। और इसके अलावा मैंने ये सॉफ्ट ड्रिंक लिया है 7 अप में, आप कोई भी वाइट सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं। अब मैं ये आपको बताती हूँ कि ये मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ये पेस्ट डालूँगी इसी जी। जनाब तो ये मैं अपना सोडा ड्रिंक जो है वो डालने लगी हूँ। अब ये देखिए, ये डाला हमने, और ये माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है माशाल्लाह। और आप इसमें जो ये मैंने बनाए ये पेस्ट जो मैंने बनाई है ना, इसमें ज़्यादा बन गई है, बल्कि फ्रीज़ भी करनी है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इसको फ्रीज़ कर दूँगी, और जब भी गेस्ट आएँ आप फ़ौरन निकालें जी। जनाब तो देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा जावा प्लम हुई तो बिल्कुल तैयार हो चुका है, और ये गर्मियों में बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। और जामुन का तो आपको पता है ये मेहमान फल होता है, थोड़े अरसे के लिए आता है, और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। जो रखिएगा दुआओं में याद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ व्यूवर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।